नमस्कार दिव्य हिमाचल लाइव टीम में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं सुधीर शर्मा आज फिर से लाइव है आपके सामने दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों के सामने। शुरू की जो महफिल सजती है दिव्य हिमाचल लाइव टीवी की, जो आप देख रहे हैं लगातार पिछले 95 एपिसोड हो चुके हैं दिव्य हिमाचल टीवी के, हिमाचल संस्कृति का जो अनूठा संगम है दिव्य हिमाचल, जो आप लोगों के लिए पेश करता है हिमाचल की जो संस्कृति है, हिमाचल के जो कलाकार है उनको रूबरू कराते हैं हम दिव्य हिमाचल लाइव टीवी के माध्यम से। जो घरों में बैठे लोग हैं जो आनंद ले सके हमारी संस्कृति का, हमारे जो प्राचीन संस्कृति है, हमारे जो प्रदेश भर में अनेक क्षेत्रों में जो भी गायक है, युवा गायक है, उभरते गायक है, एक मंच प्रदान करता है दिव्य हिमाचल लाइव टीवी। आप सभी लोगों से अनुरोध है, आज हमारे भी जो गायक है, कलाकार है, उभरते कलाकार है कोटगढ़ क्षेत्र के, जो कि युवा गायक कलाकार है, और हम आपसे रूबरू कराएंगे आज यूके कोटगढ़िया जी, जो हमारे बीच है। यूके कोटगढ़िया जी, आपका दिव्य हिमाचल लाइव टीवी पे स्वागत है। नमस्कार जी, मैं धन्यवाद करना चाहूँगा दिव्य हिमाचल लाइव टीवी का, और धन्यवाद करना चाहूँगा सुधीर शर्मा जी का, जिन्होंने मुझे छोटे मंच जैसे छोटे से कलाकार को बड़े मंच, दिव्य हिमाचल का बड़ा मंच प्रदान करने की जो कोशिश की है, मैं इनका तहे दिल से आभारी हूँ। जी हाँ, जिस तरह से यूके कोटगढ़िया के नाम से फेमस है, इनका नाम उमेश कुमार है, काफ़ी अच्छा गाते हैं और अपने क्षेत्र के जो प्राचीन संस्कृति है उसको भी कहीं ना कहीं उभार रहे हैं, तो बातों का सिलसिला चला रहेगा यूके कोटगढ़िया जी। तो जिस तरह से आज हम कार्यक्रम का आगाज करेंगे, तो आप किस सॉन्ग के साथ आज कार्यक्रम का आगाज कर रहे हैं दिव्य हिमाचल लाइव टीवी पर? मैं आज जो सॉन्ग गा रहा हूँ, ये हमारे जैसे ईष्ट देवता है, हमारी देवी हो गई हाटू माता जी, मैं उनके नाम से आज शुरू करना चाहूँगा, आज का जो प्रोग्राम है उनके नाम से ही शुरू करना चाहूँगा। जी शुरुआत करें। हाटू रे माये बड़ा करू आसरा तेरा लघु एलो देशा दे जो दो आसिया मेरा बोला कंडरे दिशो बजारो दाजरा सूरी घरो प्यारे
अपना बहुत खूब प्रस्तुति उमेश कुमार जी जो के कोटगड़िया के नाम से प्रसिद्ध है, जो हमारी हाटू माता जो इष्ट माता है पूरे क्षेत्र की, उनसे स्तुति से आरंभ किया, बहुत अच्छी प्रस्तुति दी आपने। तो जिस तरह से हमारा क्षेत्र है सेब बाहुल्य क्षेत्र है, कोटगढ़ क्षेत्र है जो मशहूर है सेब के लिए, तो हम चाहेंगे आपसे कि कुछ कोई ऐसा गीत सुनाएं जो कोटगढ़ क्षेत्र का हो और सेब से संबंधित हो, और कोई उम्दा गीत जो हमारे लिए दर्शकों के लिए पेश करें। और दर्शकों से भी यही हमारी गुजारिश रहेगी, जिस तरह से हमारा लाइव कार्यक्रम चला है, आप कमेंट के माध्यम से अपने जो जो भी आप फरमाइश देंगे हम जरूर पूरा करने की कोशिश करेंगे, और हमारे कार्यक्रम को जरूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि आगे से आगे जो घर बैठे लोग हैं उन तक भी आसानी से जरूर पहुंचे। जी यूके छोटगढ़िया जी। बहुत खूब जिस तरह से सुरों की महफिल सजी है मतियाना में, आज उमेश कुमार जी है उभरते कलाकार है कोटगढ़ क्षेत्र के, तो इनको भी हम बधाई देते हैं, काफी सराहनीय कार्यक्रम है इनका, इनके ऑडियो एल्बम भी कई आ चुके हैं, हम आपको उनके बारे में भी जरूर बताएंगे। जिस तरह से दर्शक जुड़े हैं हमारे साथ, काफी फरमाइशें भी आ रही है, तो हम चाहते हैं कि जो आपका कोटगढ़ कुमारसंघ क्षेत्र है हमारा, जो हमारी ढीली नाटी के लिए काफी मशहूर है, जो बारह मात्रा की नाटिया चलती है, तो आप जरूर एक बारह मात्रा की नाटी हमारे टीवी हिमाचल लाइव टीवी के दर्शकों के लिए जरूर पेश करें। यूके कोटगढ़िया जी। सदा बोला हो रही है और ये
मात्रा की काफी अच्छा गाना है ये कोटगढ़ कुमार संघ क्षेत्र का। तो जिस तरह से पहाड़ी गीतों का जो है दौर है वो चलता है और चलता रहेगा, हम आपके माध्यम से जो बताना चाहते हैं दर्शकों की हमारा कार्यक्रम जो है लाइव करे, शेयर करे, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को तक ये पहुंच पाए। अब हम जो है पहाड़ी नाटियों का दौर है ये चलता ही रहेगा, थोड़ा इसको संगीत को घुमाते हैं गजल की ओर। हमारे साथ है मशहूर गजल गायक है, उभरते कलाकार है हमारे क्षेत्र के, हर्ष सिद्धिया जी। इससे पहले भी दिव्य हिमाचल लाइव टीवी पर हम आपको दिखा चुके हैं इनकी प्रस्तुति। हर्ष सिद्धिया जी पेश करें हमारे दर्शकों के लिए जो आपका मन पसंद जो भी गजल या आपका जो और पेश करना चाहते हैं। चाहेंगे हमारे दर्शकों के लिए गजल की भी आप दो चार लाइनें जरूर पेश करें। आप सभी की नजर एक गजल Thank you.
जी हाँ, बहुत खूब प्रस्तुति दी हर्ष सिद्धिया जी है, जो उभरते कलाकार है, हम उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हैं। तो जिस तरह से उमेश कुमार जी ये पहाड़ी गानों का सिलसिला है, दौर है, चला है, तो हम चाहते हैं कि हमारा जो लोअर हिमाचल है, लोअर हिमाचल के भी आप कुछ सॉन्ग, क्योंकि हमारे साथ पूरे प्रदेश से लोग जुड़े रहते हैं, दर्शक जुड़े रहते हैं, उनके लिए आप कुछ लोअर हिमाचल के एक दो सॉन्ग जो भी आपको आता है और अच्छे से गा सकते हो, जरूर पेश करें। ये करेंगे, कोशिश करेंगे। क्षेत्र है अपने क्षेत्र की कोई प्रसिद्ध नाटी आपकी आवाज में भागरथी है गाना, जो बहुत काफी प्रसिद्ध गाना है, पहाड़ी गाना है हमारे क्षेत्र का, भागरथी गाना जरूर हमारे दर्शकों के लिए पेश करे उमेश जी। बोलो की दले चले भागरथी Yeah.
साथ दर्शक लगातार जुड़े हैं, सभी दर्शकों से हमारा अनुरोध है कि लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि घर बैठे हमारे दिव्य हिमाचल लाइव टीवी के दर्शकों तक ये कार्यक्रम पहुंच पाए और ज्यादा से ज्यादा लोग जो है संगीत का जो है ये मनोरंजन ले सके। जिस तरह श्याम गंधर्व जी जुड़े हैं हमारे साथ, राकेश मंगल जी है, योगी कैलाश जी है और बॉबी ठाकुर जी है, बुरा लगा तेरा पानी पीला रोटी किचन खाई हो रेनू तेरी चिट्ठी पत्री आईना गाने की जो फ्रांचाइज है वाइन शॉप बुटी से। तो राकेश मंगल जी है पंजाब गांव रतन दसा, इस तरह से काफी दर्शक जुड़े हैं हमारे, सबकी फरमाइशें पूरी करेंगे। तो उमेश जी बुरा लगा तेरा पानी प्यूला जरूर फरमाइश पूरी करें बॉबी ठाकुर जी। बुरा लगा तेरा गे पानी पीना, बुरा लगा तेरा गे पानी पीना, रोटी किच भी खाई ना कार्यक्रम को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा जो है कार्यक्रम पहुंच पाए। तो एक कोटगढ़ क्षेत्र की और सिद्ध नाटी है उमेश जी रणिया जीता, हम चाहते हैं कि चार लाइने रणिया जीता की भी जरूर आप हमारे दिव्य हिमाचल लाइव टीवी के दर्शकों को सुनाएं।
बोला रूड़ू खटड़े रोनिया नीता पूरे हांडा पूरे पूरे हांडा पूरे बजीरा पूरे हांडा पूरे सजी है मतियाना में हमारे दिव्य हिमाचल लाइव टीवी के दर्शक जो है मनोरंजन कर रहे हैं म्यूजिक के माध्यम से घर बैठे ही। तो जिस तरह से मांग कर रहे हैं दर्शक की एक गजल हर्षिदिया की आवाज में फिर से गजल का दौर करते हैं और चंद लाइने हम सिद्धिया जी से अनुरोध करते हैं, चंद लाइने हमारे दर्शकों के लिए जरूर सुनाए गजल की। बहुत बेचैन है
जी हाँ, बहुत खूबसूरत प्रस्तुति उभरते कलाकार है हर्षिद्या जी। तो जिस तरह से पहाड़ी गानों का दौर चला है, उमेश कुमार जी यूके कोटकड़िया जी हमारे मध्य है, तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए जिस तरह से आपके फर्स्ट नाटिया चलती है उसका भी एक दौर चलाए, जैसे रोड उजाड़ा मेरी आमिए इन नाटी के लिए हमारे दिव्य हिमाचल टीवी के दर्शकों के लिए जरूर पेश करें। Thank you.
समय का भी अभाव है, हम चाहेंगे आप जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए साईवादी बीबी बहुत फेमस सॉन्ग है हमारे क्षेत्र का, जो कि हिमाचल प्रदेश में नहीं पूरे भारतवर्ष में यहाँ तक कि विदेशों में भी गुनगुनाया जाता है, गाया जाता है, साईवादी बीबी रंग ढालना तुला हो। बोला साईवारी के बीबी है, जिस तरह से समय भी लगभग पूरा हो चुका है, तो हम दिव्य हिमाचल लाइव टीवी प्रतिभा हिमाचल की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं कि हमारे चैनल पर आए, हमारे दर्शकों का मनोरंजन किया आपने। इस तरह से हम आपको बताना चाहेंगे कि जो हारमोनियम पे संगत कर रहे थे हर्ष सिद्धिया जी है, हमारे क्षेत्र के उभरते युवा गायक है, सूफी और गजलों में काफी पकड़ है, हम इनके उज्ज्वल विश्व की कामना करते हैं। और जो विशाल जी है, सोनू है, ये ढोलक और तबले में काफी अच्छी पकड़ है इनकी, आने वाला समय जो है इन युवाओं का होगा, हम इनसे भी ये अपील करते हैं कि अपनी संस्कृति से जुड़े रहे और जो कला कार्यक्रम है वो पेश होते रहे। तो दिव्य हिमाचल लाइव टीवी पर जिस तरह से हम आपको रोज संगीत के माध्यम से मनोरंजन करते हैं, आपका जो हमारी पहल है, हमारा जो मुहिम जो ये चली है कि हमने आपको जो जान हुई पायदान पे आज पहुंची है, पूरे प्रदेश के विभिन्न कलाकारों से आप लोगों को रूबरू कराया, तो दिव्य हिमाचल की कहीं ना कहीं ये जो पहल है कि क्षेत्र के उभरते युवा है जो उनको भी एक मंच प्रदान किया जाए ताकि वो आने वाले समय में हमारी संस्कृति जो है इसको जीवित रख पाए। तो आप जुड़े रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।